कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष एवं राज्य सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष हर्ष महाजन ने मंडी जिला के दौरे के दौरान सुंदरनगर में पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो सोच लेकर सत्ता में आए थे, ये दोगली सोच की राजनीति ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी और आने वाले 2019 के लोकसभा चुनावों में देश से भाजपा का सुपड़ा साफ होगा और कांग्रेस बहुमत के साथ देश में सत्तासीन होगी। उन्होंने कहा कि देश की जनता नरेंद्र मोदी के कार्यप्रणाली को भांप चुकी है और उसका संदेश हाल ही के 3 राज्यों के चुनाव में देखने को मिला है। महाजन का कहना है कि केंद्र की मोदी सरकार ने इन राज्यों के चुनाव में दल बल धन का पूरा प्रयोग किया, लेकिन जनता ने इसे पूरी तरह से नकारा है और इसका परिणाम वर्तमान में देश की जनता ने इस कदर कांग्रेस की सत्ता में वापसी के साथ दिया है। हर्ष महाजन ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में भी 2019 का चुनाव पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू के संयुक्त नेतृत्व में लड़ा जाएगा और हिमाचल में 4 सीटों पर कांग्रेस पार्टी जीत हासिल करेगी। उन्होंने कहा कि नेतृत्व परिवर्तन का समय आ चुका है और उसी हिसाब से राष्ट्रीय स्तर के बाद हिमाचल में भी नेतृत्व में परिवर्तन होगा और नेतृत्व के बलबूते पर ही हिमाचल में भी आने वाले चुनाव में पूर्ण बहुमत से सत्तासीन होगी, जिसका पहला सेमीफाइनल 2019 के चुनाव में भाजपा के सामने पेश हो चुका है। नेतृत्व जो है, जिस तरह मैंने बाकी स्टेटों में देखा, अब कांग्रेस की और राहुल गांधी चाहते हैं सब इकट्ठे मिलके करें। चाहे हमारी स्टेट में तो इतना कोई लंबा चौड़ा का वो नहीं है कि अभी लड़ाई झगड़ा है, बड़ी बड़ी स्टेटों में तो 4-4, 5-5, 10-10 लीडर थे, वहां भी कांग्रेस ने राजनीति ऐसी चलाई है अब नई किस्म की, इकट्ठे करके सबको समझौते के हिसाब से करके, और सब इसमें चाहे हिमाचल है, चाहे राजस्थान है, चाहे कोई और स्टेट है, इकट्ठे मिलके चलना बहुत जरूरी है और आखिरी फैसला जो है वो राहुल गांधी जी पे छोड़ना जरूरी है। तब के एक इकट्ठे होके कांग्रेस जो है या लोकसभा के चुनाव में काम करेगी और मुझे पूरा यकीन है अब कि यहाँ कांग्रेस की अच्छी जीत होगी।